बाजार का जो इस बार का थीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। गाइस आज सप्तमी और सुबह का समय है। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह थिएटर मूवी देखने के लिए। एक नया मूवी आया है विक्रम वेदा नाम से, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान का, तो वही देखने के लिए जा रहे हैं। सनी आ रहा है मेरा दोस्त जो कल के ब्लॉग में था दुर्गा पूजा वाला में, वही आ रहा है, उसी के साथ जा रहे हैं। इसलिए अभी इंतजार करते हैं, फिलहाल तो हम रुके हुए हैं, अभी तक आया नहीं है, आएगा तो उसके बाद चलेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आईलेक्स, मान लो देखिए पार्किंग में गाड़ी लगा के अभी बाहर जा रहे हैं हम और मेरा दोस्त सनी आया हुआ है। चलिए अब चलते हैं आईलेक्स, देखते हैं। टिकट 10:30 बज रहा है, हो सकता है 11 बजे का शो हो, तो चलते हैं। तो गाइस टिकट ले लिए हैं हम लोग, ये देखिए दो टिकट हैं मेरा और सनी का। अभी जा रहे हैं लिफ्ट में, लिफ्ट से ऊपर पहुंच चुके हैं आईलेक्स के ऊपर 4th फ्लोर में। यहाँ का डेकोरेशन जो है ये तो बहुत अच्छा है, पिछला बार भी दिखाए थे, देखिए आईलेक्स का लोगो। और देखिए क्या कर रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है, ताकि जैसे। चलिए अब अंदर चलते हैं, 11 बजे का शो है, 15 मिनट बाकी है, अंदर चलते हैं। क्या कर रहा सनी, इसको मैसेज कर रहा भाई। चलिए चलते हैं अंदर। गाइज हम लोग का जो है नंबर 1, ये वाला आईलेक्स का जो नंबर 1 रूम है इसमें है। देखिए हम लोग अंदर गए थे, देख सकते हैं ये नंबर 1, और अंदर जाकर सनी भी यहीं पर है। चल चल, ये आईलेक्स दिखाते हैं आप लोग अंदर का माहौल। तो गाइज अंदर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। पूरा सीट्स खाली है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। तो गाइस हो गया कंप्लीट हम लोग का मूवी विक्रम वेदा। और देखिए हम और सनी जो है बाहर निकल चुके हैं, और मूवी अच्छा है, बस थोड़ा सा समझ में कम आएगा देखने से, मतलब इधर से उधर हो रहा है उसका टाइमलाइन, मतलब इधर से उधर बार बार, 3 साल पहले का कभी 3 साल बाद का दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा बस कम समझ में आएगा, लेकिन मूवी अच्छा है। ऋतिक रोशन सबसे ज़्यादा, तो ऋतिक रोशन का लुक जो है वो एकदम कुछ बोलने का ही नहीं है, बहुत अच्छा है एकदम मस्त। उसका हर एक मूवी में उसका लुक अच्छा है, सुपर 30 में भी उसका मूवी में बहुत अच्छा लुक था, बॉर में भी बहुत अच्छा था, सब रोल भी वो अच्छा से करता है, और इसमें भी जो है अपना रोल एकदम अच्छा से निभाया है, बहुत सुंदर लुक तो बहुत सुंदर है, बड़ा बड़ा बाल है ना, उसी करेंगे गाइस हम भी अभी। गाइस हम लोग आ गए हैं अभी डोसा खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, कॉर्नर पर खड़े हैं, देखते हैं कितना देर में हम लोग ऑर्डर आएगा, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, बहुत भूख लगी है गाइस, खा लेते हैं। घर आ चुके हैं और शाम तो नहीं हुआ है, मतलब पूरा एकदम बादल छाया हुआ है, बारिश की तरह लगता है, सही टाइम पर घर पहुँच गए हैं। तो गाइस देखते हैं अभी शाम में जो है, यहाँ गोविंदपुर में बगल में एक पंडाल बना है टीना का, वो बहुत अच्छा बना है, तो वहाँ चलेंगे। चलिए अब मिलते हैं एक बार शाम में, अगर बारिश नहीं होता है तब। वो वहीं पे आ
आ गए हम लोग गोविंदपुर वाला पंडाल देखने। यहाँ पर बहुत अच्छा बना है, टीना का पूरा बना हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, हम हैं और मेरा भाई आया हुआ है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। देखिए पीछे में है मंदिर पंडाल, चलते हैं। चलिए पंडाल पर पंडाल का। गोविंदपुर में एक दूसरा पंडाल बना हुआ है। चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।